This is a time for testimony. Sister Gina Albert from Mumbai will share her testimony for the glory of God. वर्तमान गवाही का समय है. बहन जीना एल्बर्ट मुंबई से आकर के परमेश्वर की महिमा के लिए अपनी गवाही पेश करेगी. परमेश्वर की नाम की स्तुति हो. Praise be to God's name. मुझे भी आप लोग के बीच में परमेश्वर ने गवाह होकर खड़ा किया, इसलिए परमेश्वर के नाम की महिमा करती हूँ. I glorify God's name because He has made me as a testimony amidst your prayer. मेरा जन्म इस TPM परिवार में हुआ और उसी के रीति के अनुसार मेरा पालन पोषण भी हुआ. I was born in a TPM family and I was brought up as per the rules of this faith. आज मैं जो भी कुछ हूँ परमेश्वर की दया के अनुसार हूँ और उसके दया किसे मैं आज नाश हुए बिना आप लोग के बीच में खड़ी हूँ. Today whatever I am by the grace of God and because of the mercies of God I'm not consumed. ये बात मुझे बचपन में ही जब मैं छोड़ मेरा उम्र 4 से 5 उम्र में का समय था उसी वक्त से मुझे ये जानने के लिए और ये बात चखने के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद किया. God helped me to taste this experience when I was 4 or 5 years old. मैं एक बार स्कूल से लौटने के समय में एक व्यक्ति जो है मुझे उठा कर लेके चला गया. Once as I was returning from my school, a person kidnapped me. लेके जाके वो मुझे बहुत सारा झाड़ी थे उसके बीच में वो मुझे लेके चला गया. He took me among in the midst of a thicket. और उस झाड़ी के बीच में मैं वो आदमी मुझे वहां पर छोड़ के वो कुछ तो लेने के लिए मुझे छोड़ के वो चला गया. That man left me there for some time because he's doing something else. वहां पर मैं खड़ी होकर यही चिल्ला रही थी, हे यीशु मुझे इससे बचाना चाहिए. I was standing there and just crying out, oh Jesus, you must save me from this man. मैं वहां पे आगे पीछे कुछ देखने से कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैं वहां से दौड़ने लगी. I saw here and there was nobody around. I started to run from that place. जैसे जैसे मैं दौड़ती गई वहां से बहुत सारे ट्रेन खड़े हुए देखा. As I kept running, I saw many trains in that place. लेकिन वो मालगाड़ी होने की वजह से मुझे कहीं पर कोई शरण नहीं था, लेकिन मैं मालगाड़ी के नीचे से वो होकर मैं पार होकर दूसरे जगह पे दौड़ने लगी. But they all were good trains and there was no place for me to hide. I just went below the train and I started to run from that place. उसके बाद सामने मुझे एक ट्रेन जो कोच से भरा हुआ वह वहां पर खड़ा हुआ दिखा. In front of me I saw another train with many bogies. लेकिन मैं उस कोच में चढ़ गई. I aborted the train. मैं चढ़ के बचने के लिए इधर उधर दौड़ने लगी, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था वो आदमी मेरे पीछे तो कर रहा, लेकिन मैं कहाँ जाके छुपना करके सोच के मैं बाथरूम में जाके अपने आप को बंद कर लिया. I was very much afraid. I started to run into the bogies and I hid myself in the bathroom because that man was pursuing me. लगभग बहुत देर तक मैं वहां पर रही वहां खड़े होके मैं यीशु मुझे बचा ले और कुछ मुझे प्रार्थना करने को मालूम नहीं था, यही बातें मैं दोहराती रही. For quite a long time inside that bathroom, I was waiting there. I was just praying. I don't know how to pray then. I just said, Lord Jesus, you saved me. थोड़ी देर के बाद मैं बाहर निकल गई. After a while, I came out. बाहर निकल के मैं इधर उधर जाने लगी. मुझे मेरा घर का रास्ता तो मालूम नहीं है, लेकिन मैं किधर जा रही मुझे ही नहीं मालूम था, लेकिन मैं चलती जा रही थी. As I came out, I started to walk. I didn't know the way to my house, but I kept walking. मैं जाते जाते यही बोल रही थी, प्रभु मुझे मेरा घर में लेके जाना चाहिए, मुझे वापस उस दुष्ट के हाथ में नहीं देना चाहिए करके मैं चिल्ला रास्ता पूरा रोते हुए और चिल्लाते हुए यही प्रार्थना कर रही थी. As I was walking, I was just crying and I was praying to God, Lord, somehow you must help me to reach home. थोड़ी देर के बाद मैं देखने से मेरे पापा के एक दोस्त वहां से आ रहे थे. After a while, I met my father's friend there. तो उन्होंने मुझे पूछा तू किधर जा रही है करके. He asked me, where are you going? तब मैंने बोला अंकल एक व्यक्ति मेरे पीछे पड़ा वो मुझे ऐसा भगा के लेकर आया, मैं वहां से भाग बच के निकली हूँ. I told that a person had kidnapped me, somehow escaped out of his hands. उसके बाद उन्होंने मुझे मेरा घर में पहुंचा दिया. Then he helped me to reach home. उसके कुछ दिनों के बाद मैंने मुझे पता चला कि ये जो व्यक्ति है वो किडनैपर था, बहुत सारे बच्चों को जो किडनैप करता था. After a few days, I got to know that this man was a kidnapper who used to kidnap many children like this. उन दिनों में उनका जो गैंग था लगभग 70 बच्चों से ज्यादा किडनैप करके उनके अंदर के भीतर के भावों को वो लोग व्यापार करते थे.
During those days, this person who belonged to a gang of people who used to kidnap almost such 70 children and they used to take out their body organs and sell them. बाद में मेरे घर वालों को सबको मालूम पड़ने के बाद सच में परमेश्वर ने इतना बड़ा एक अद्भुत काम मेरे जीवन में किया है करके जानने के लिए उन्हें भी परमेश्वर ने मदद किया. Later when my family got to know about this, they also glorified God saying, God had did such a great miracle in my life. अगर उस दिन प्रभु मुझे नहीं बचाने से शायद मैं भी उस संख्या में से एक हो सकती थी. Maybe if that day God had not helped me to escape, even I would be one among those 70. उसके बाद परमेश्वर के डील-डॉल में और परमेश्वर के प्यार में मुझे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद किया. After that, God helped me to grow in His love and in His stature. सही समय पर पानी का बपतिस्मा लेने के लिए और पवित्र आत्मा पाने के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद किया. At the right time, God helped me to take water baptism and to receive the Holy Spirit. उसके बाद कई दिनों से परमेश्वर मुझसे उसके सेवा कार्य के बारे में बातें करता रहा. After that, for many days, God was speaking to me about His ministry. लेकिन मैं सेवा में आने के लिए बिल्कुल पसंद नहीं करती थी. मैं बोलती मैं दुनिया में रह के अच्छा नाम के साथ अच्छा एक घर बसा के मैं अच्छा एक जीवन व्यतीत करूंगी करके वही मेरा विचार था. But I didn't want to come to the ministry. I wanted to be a good person in this world and to earn and to live a good life in this world. लेकिन मेरा विचार परमेश्वर का विचार से बिल्कुल ही अलग था. But my thoughts were totally different from the thoughts of the Lord. और मैं परमेश्वर से काफी दूर जा चुकी थी. And I had gone much astray from God. उन दिनों में परमेश्वर मुझसे लगातार बातें कर रहे थे लेकिन मैं उनका नजरअंदाज करके मैं परमेश्वर से काफी दूर जा रही थी. During those days, God was continually speaking with me, but I was not heeding to His words. एक बार मैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई. Once I felt very much sick. और मैं मृत्यु के फाटक तक पहुंच गई. I reached the gates of death. उस वक्त मैं ऐसा एक जब भी मैं आंखें बंद करने से मैं इस प्रकार देखती थी कि शैतान बहुत सारे शैतान मुझे देख के हंस रहे हैं और मुझे अपने और बुला रहे हैं. Whenever I used to close my eyes, I used to see like Satan is always trying to call me. और मैं उस वक्त देख रही थी कि शैतान जो है एक चादर काला चादर लेकर उनके चार कोने में चार शैतान लोग पकड़ के मेरे ऊपर डालने को आ रहे थे. And I used to see visions like Satan was bringing a black mantle and there were four demons holding the four ends of that mantle and they were trying to come and kidnap me. लगभग जो है पूरा मेरा चेहरा तक ढाप दिया था उन लोग ने. They had almost tried to cover my face with that mantle. उस वक्त मैंने परमेश्वर को चिल्लाई, हे प्रभु तूने इतना समय मुझे दिया मैंने व्यर्थ गवा दिया. यदि मुझे एक और मौका देने से सच में तेरे भवन में आकर कम से कम एक दिन तो मैं कष्ट उठाऊंगी, एक दिन तेरा सेवा करके ही मैं मरना चाहिए करके उस वक्त में ऐसा आग्रह किया. At that time, I cried to Jesus, saying, "Lord, you've given me so much of time, but I've wasted all my time. If you'll give me yet one more chance, and I'll come to serve you, I'll at least serve you for one day and then die." उसी वक्त मेरे पुकार को सुन के परमेश्वर जो अपने स्वर्गदूत को भेज के उस शैतान को तितर वितर किया. At that time, God hearkened to my prayer. He sent an angel and he scattered away the enemy. उस वक्त मुझे उठा के बिठा के मेरे हाथ में सफेद वस्त्र दे के और बाइबल मेरे हाथ में थमा के कहा, मैंने तुझे मरने के लिए नहीं, मैंने तुझे नरक के लिए नहीं, मैंने तुझे सियोन के लिए बुलाया है. At that time, the angel lifted me up and gave me a white piece of cloth and a Bible and said that I have chosen you not to perish but to serve me. उसी मैं 2010 में इस वायदे पर विश्वास करके परमेश्वर के भवन में आने के लिए प्रयत्न किया. In the year 2010, I believed upon the promises of God and I tried to come into the house of the Lord. लेकिन मेरे लिए सेवा में आने के लिए कई रुकावटें थे. मेरे माता पिता की तरफ से भी और रिश्तेदारों के बंदों के सारे रिश्तेदारों की तरफ से मेरे लिए कई रुकावटें खड़ा हो गया. But I had many obstacles and oppositions from my family members and relatives. लेकिन मैं फिर भी परमेश्वर से विनती किया, प्रभु तू ही मेरा लड़ाई लड़ना चाहिए, तू ही तूने यदि बुलाया हुआ परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है तो मुझे तेरा घर में लेकर आना चाहिए. But still, I told the Lord, Lord, if you are the true God, you must fight all my battles and you must bring me to your house at the right time. कई रुकावटों के बावजूद ही परमेश्वर ने मुझे उसके भवन में आने के लिए उसका सेवा करने के लिए परमेश्वर अभी तक मुझे मदद कर रहे हैं. Amid so many oppositions and obstacles, God helped me to come into His house, and till today, He's been enabling me to do this ministry. सेवा में आने के बाद भी कई प्रकार की बीमारियां मेरे जीवन में आई. Even after coming to serve God, so many sicknesses came in my life. एक बार मैं जब मुंबई में बदली होकर आ गई, उस वक्त मेरे शरीर में एक बड़ा घाट था.
When I was transferred to Mumbai Center, I developed a great boil in my body. उस घाट से मैं लगभग 7 से 8 महीने तक बहुत अधिक कष्ट उठा रही थी. Because of that boil, I suffered for almost 7 or 8 months. एक बार पास्टर एमटीजी हमारे वहाँ के सेंटर पास्टर थे, उस टाइम उन्होंने ऐसा आत्मा में होके बोल रहे थे, तेरा शरीर में एक घाट हो सकता है, अभी परमेश्वर को यदि तो समर्पण करने से अभी तो उससे पूरी रीति से छुटकारा को प्राप्त करेगी. At that time, Pastor M.T. Thomas, he was a center pastor. During one meeting, he said that maybe there is a boil in your body, but if you will totally surrender yourself to the Lord, God will heal you. सच में परमेश्वर ने जैसे ही मैंने समर्पण किया वैसे ही वो पूरा घाट को टूट के बस के साथ बाहर निकल के उसमें एक निशान भी नहीं रहा, ऐसे पूरी रीति से परमेश्वर ने मुझे चंगाई दिया. Truly, as I believed and as I surrendered myself, the boil automatically it broke and all the pus and everything, all the dirty thing came outside and I was healed completely. उसके बाद मेरे सिर में काफी दर्द से 3.5 साल तक मैं कष्ट उठाई. After that, I had much headache and I suffered for around 3.5 years. ये 3.5 साल यदि मैं सोच के देखने से मैं रात के समय में बैठ के ही गुजारती थी. कब रात को मैं ये सोचती थी कब दिन होगा और दिन को कभी ये सोचती थी कब रात होगा, ऐसे में तड़पती ही रहती थी. During those 3.5 years, during the night time, I used to think when it will be morning, and in the daytime, I will think when it will become night, because I used to suffer in pain so much. लेकिन परमेश्वर ने उसके अनुग्रह के द्वारा अभी तक परमेश्वर ने उस बीमारी के वक्त में भी परमेश्वर मुझे अभी तक अपना हाथ पकड़ के एक यहोवा रफा होके मुझे चंगाई देने वाला होके हर समय मुझे चंगाई देके चलाते आ रहा है. But because of his grace, God has still now been my Jehovah Rapha and he has held my hand and he has led me in all my sicknesses. Itna hi nahi, ek aur baat, main ek subah 4 baje praising ke uthne ke samay mein mera kamar ka niche ka bhag aise laga ki wo shunya ho gaya. Uske baad main abhi kabhi bhi main chal fir nahi paungi karke aisa ek avastha mere jeevan mein hua. Not only that, once after the morning 4 o'clock praising, I had developed a pain below my hip and I felt that I will not be able to walk ever in my life. लगभग 3-4 दिन से ये दर्द के कारण मैं उठने को भी नहीं होती, बैठने को भी नहीं होती, ऐसा कष्ट की अवस्था से गुजरी. For continuous 3 or 4 days, I had so much of pain in my hip and I was not able to rise up or sit down. चौथा दिन मुझे ऐसा एक मन में एक आग्रह हुआ, क्यों मैं ऐसा एक बीमारी के साथ जीना, अगर जीना इस जीने से अच्छा तो मेरे लिए मरना काफी लाभ है. On the fourth day, I thought to myself, why should I live a life like this? It is better to die than to live like this. मैं परमेश्वर से ये बोल रही थी, प्रभु तुम मुझे बुलाए हो, परमेश्वर क्यों मेरे जीवन में ऐसा एक बीमारी है. I told the Lord, Lord, you are the one who has called me. Why is there such a disease in my life? मुझे बिल्कुल भी चलने को भी नहीं हो रहे थे, बैठने को भी नहीं, खाली में लेट ही सकती थी. I was not able to walk. I was not able to sit. I could only lie down. चौथा दिन मुझे रात को 12 बजे के बाद मैं आज कैसे भी इससे जय पाना चाहिए, नहीं तो इसके वजह से मेरे मृत्यु होने से भी चलेगा, लेकिन मैं इस अवस्था में तो और मैं जीवन नहीं बिता सकती करके परमेश्वर से लड़ने लगी. On the fourth day, I fought with the Lord at night 12 o'clock, saying that I must get a deliverance or else I must die. I can't live my life with this pain. मैं संडे स्कूल के दिनों में ये एक वचन को स्मरण मुझे संडे स्कूल के टीचर के द्वारा हमेशा मुझे याद रहता था कि यहोवा के कोड़े खाने से तुम्हें चंगे हुए, इस वचन पे मैं विश्वास करके उस दावा के साथ रात पूरा मैं परमेश्वर से लड़ती रही. During our Sunday school days, I remember we had this memory verse which says that by my stripes you were healed, and I remembered that verse and I confessed that verse. उस रात के समय लगभग 12 बजे से सुबह 4 बजे तक मैं बिल्कुल भी लेटे बिना परमेश्वर से मलयुद्ध करने लगी, बहुत अधिक रो के विलाप करने लगी, प्रभु इसी क्षण मुझे चंगाई देना चाहिए, नहीं तो मुझे ले लेना चाहिए करके ऐसे मैं चिल्लाने लगी. दैट नाइट फ्रॉम 12 o'clock टिल मॉर्निंग 4 o'clock, आई स्ट्रोव विद द लॉर्ड सेइंग, लॉर्ड यू हैव टू हील मी राइट नाउ दिस टाइम दिस नाइट इटसेल्फ. जैसे जैसे मैं प्रार्थना करने लगी धीरे धीरे वो दर्द मेरे से दूर होने लगा. आई kept on praying, gradually that pain left me. उस सुबह के वक्त परमेश्वर ने मुझे पूरी रीति से चंगाई दिया. एंड इन द मॉर्निंग गॉड गेव मी अ कंप्लीट डिलीवरेंस. मेरे गवाही सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों से मेरी एक ही विनती है. I only one request to the dear sisters and brothers who are listening to my testimony. जो कोई को भी परमेश्वर बुलाता है परमेश्वर के सेवकाई के लिए सही समय पर समर्पण करने के लिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ. If God is calling you for His ministry, I request you to surrender to His call at the right time. मेरे समान आप लोग दंड नहीं भुगतना चाहिए, परमेश्वर के भवन में आके आनंदित और मगन होने के लिए परमेश्वर बुलाने से सही समय पे आने के लिए आप लोग से अनुरोध करती हूँ.
You must not get chastisement as I did, but at the right time you must heed to his call and you must come set out to serve the Lord. परमेश्वर ने मेरे जीवन में कई सारी भलाइयों के लिए सारा आदर मान महिमा परमेश्वर को मैं देती हूँ. For all the goodness that God has done in my life, I give all the honor and glory to him. परमेश्वर मेरे सेवकाई और जीवन को बोझ उठाने के लिए आखिर तक परमेश्वर के भवन में रहते हुए सियोन में दिखाई देने के लिए आप सबकी प्रार्थना चाहते हुए अपने गवाही को समाप्त करती हूँ. God must take charge of my life and my ministry and he must help me to be found as Zion and to be found in his house till the end. I request your prayers. Praise the Lord.